वेलकम टू माई ऑल फ्रेंड्स इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड एंड इंटीग्रेटिव प्लाज्मेट ओके वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड को एपिजोम भी कहा जाता है ओके okay? तो वॉट अबाउट द एपिजोम एपिजोम क्या है तो आज हम उसके के बारे में डिस्कस करेंगे ओके okay? तो फर्स्ट हम देख लेते हैं नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड में क्या कहा जा रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम है साथ ही साथ प्लाज्मेड है ओके okay? जैसे ही सेल डिवाइड होता है कि सेल के साथ प्लाज्मेड uh, की कॉपीज़ भी डॉटर सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र होगी ओके okay? बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो भी ट्रांसफ़र होगा लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लाज्मेड भी इंडिपेंडेंटली क्या हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है और बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर हो रहा है ऑफ स्प्रिंग के अंदर ओके okay, तो दिस इज कॉल्ड दैट नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड यानी कि प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट करके ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर नहीं हो रहा है ओके प्लाज्मिड इंडिपेंडेंटली ऑफ स्प्रिंग के अंदर जा रहा है ओके okay, तो दिस इज कॉल्ड दैट नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड मेथड बहुत सारे ऐसे प्लाज्मिड होते हैं कि जो नॉन इंटीग्रेटिव होते हैं ओके okay? लेकिन जो इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है उसके बारे में हम देखते हैं सो इंटीग्रेटिव प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है कि प्लाज्मिड को हम जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे तो वो क्या करेगा प्लाज्मेड इट्स बाइंड्स विथ बैक्टीरियल क्रोमोजोम्स एंड मेकिंग द इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड ओके दिस इज कॉल्ड दैट इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड क्रोमोजोम कैरिंग इंटीग्रेटेड प्लाज्मेड इसके पास क्या आ गया है इंटीग्रेटेड प्लाज्मेड और क्रोमोजोम दोनों क्या हो चुके हैं कंबाइन हो चुके हैं और उसके बाद सेल डिवाइड होता है तो क्या मिलता है हमें ऑफस्प्रिंग के अंदर क्रोमोज़ोम के साथ साथ प्लाज्मेड भी यानी कि जो भी प्लाज्मेड का जो कटआउट पार्ट है वो भी हमें मिलता है तो दिस इज़ कॉल्ड दैट एपिजोम ओके एपिजोम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द ऑफ जीन क्लोनिंग जीन क्लोनिंग अगर हम एपिजोम की हेल्प से कर रहे हैं ऐसे प्लाज्मेड को हम पसंद कर रहे हैं कि जो जिसके पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट करके आगे बढ़े ओके इंटीग्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लाज्मेड प्लाज्मेड सभी होते हैं सभी टाइप्स के प्लाज्मे बैक्टीरिया के अंदर होते हैं लेकिन कुछ ही प्लाज्मे ऐसे होते हैं कि जो इंटीग्रेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ कर पाते हैं ओके जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरियल फाज का जो डीएनए है बैक्टीरियल फाज का यहाँ पर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ बैक्टीरियल फाज डीएनए उसके पास ऐसी कैटेग कैरेक्टरिस्टिक है कि वो क्या करता है जो भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है या फिर बैक्टीरियल डीएनए होता है उसके साथ वो इंटीग्रेट कर जाएगा और इंटीग्रेट करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएगा किसकी बैक्टीरियल फाज की ओके बैक्टीरियो फाज क्या है तो बैक्टीरियल फाज इज बैक्टीरिया ईटर बैक्टीरिया ईटर है ओके बैक्टीरिया ईटर यानी कि क्या इज अ वन टाइप ऑफ द वायरस है ओके सो so, बैक्टीरियो फाज क्या करेगा अपना जो प्लाज्मे है अपना जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करेगा और उसके बाद वो दोनों इंटीग्रेज एंजाइम के थ्रू जुड़ जाएंगे ओके और वायरस का डीएनए यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ ये है वायरस का डीएनए यानी कि बैक्टीरियोफाज का डीएनए और ये जो येलो कलर का है वो है बैक्टीरियल डीएनए ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे इंटीग्रेट कॉपीज होगी ओके और अब क्या बनेगा ये जो कॉपीज़ है ना वो क्या हो गई है बिल्कुल बैक्टीरियोफाज फाज डी के जैसी हो गई है और बैक्टीरियोफाज फ़ाज जैसा कहेगा वैसा ही ये डी करेगा ओके यानी कि अब जो बैक्टीरिया के अंदर जो कंट्रोल था ना उसका डी का जो कंट्रोल था वो अब चला गया है ओके यानी कि बैक्टेरियो फाज इस डी के हेल्प से क्या कर सकता है बहुत सारे कैप्सीड मॉलिक्यूल बना सकता है कैप्सीड मॉलिक्यूल साथ ही साथ उसकी डीएनए की कॉपीज भी बना सकता है ओके okay? इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ द बैक्टीरियोफाज और बैक्टीरियोफाज के पास ऐसी क्या कैपेसिटी है कि जो उसको ज़्यादातर पावरफुल बना देती है तो आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट व्हाट इज़ अ नॉन इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड एंड इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड यानी कि एपिजोम जो प्लाज्मेड होता है वो बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट करके उसकी मल्टीपल कॉपीज ऑफ स्प्रीन के अंदर बनाता है और उसे ट्रांसफर करता है तो दिस इज़ कोल्ड दैड इंटीग्रेटिव प्लाज्मेड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीन क्लोनिंग मैथड